साहब आप लोग अंदर नहीं जा सकते। क्या मतलब अंदर नहीं जा सकते, गेट खोलो। साहब ने सख्ती से मना करा है। हम साहब से बात कर लेंगे, अंदर जाने दो हमें, हम जनाजे में शिरकत के लिए आए। बाजी मेरी नौकरी खराब ना करें, आप लोग चले जाएं यहाँ से। मैंने कहा ना साहब से बात कर लेंगे हम, गेट खोलो तो। बाजी मुझे बिल्कुल मना करा रहे। ऐसा कौन करता है बेटा, अपने खूनी रिश्तों के जनाजे में शिरकत नहीं करने दी उन्होंने। हम क्या बिगाड़ा है हमने उनका? वो माँ बाप है हमने, उनकी इकलौती बच्ची उनके हाथ से चली गई। मैं भी इकलौता हूँ, अगर मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा हो जाता तो आप क्या करती? किस तरह की बातें कर रहे हो सर? रिश्तों की बातें चलती रहती हैं, अगर रिश्ते नहीं भी होते तो पता। जानते हैं मैंने कभी मशर के लिए बुरा नहीं चाहा, उसका दुख मुझे भी है, जाहिर सी बात है, इतना तो नहीं चिंता उसके माँ बाप को है, लेकिन है तो ना, लेकिन अपने गम में बाकी सबके साथ जाती नहीं कर सकते हैं वो लोग। क्या जाती की उन्होंने? उनको लगता है कि उनकी बच्ची को जिस जिसने तकलीफ पहुंचाई उसको जनाजे में शिरकत नहीं करनी चाहिए थी, बस इतनी सी बात, रोक दिया उन्होंने। और जो मेहरीन पर इल्जाम लगा रहे हैं वो, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाए, सब क्लियर हो जाए, अगर डेथ नेचुरल हुई तो मेरी घर आ जाएगी, और अगर ना हुई तो आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। या आप अभी भी एक कातिला को अपनी बहू बनाना चाहती?